ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद तेरे कवन कवन गुण कह कहे गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्णना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना तुमरी महिमा वर्णना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना सतनाम वाहे गुरु साहेब जियो सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखें दर्स तेरा राम कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखें दर्स तेरा राम करोड़ हस्त तेरी टहल कमावें चरण चलें प्रभ मार्ग राम पव सागर नाव हर सेवा जो चढ़े तिस तारग राम पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महाविकार गए सुख उपजय बाजे अनहद तूरे मन बांछत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चलै तेरे मार्ग एहो वर एहा वडियाई एह तन हुए वड भागा राम एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की शरणे करण कारण गोपाला सब किच तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोह निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा मोह निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपर पार बख्शिश शाम समय से सत्संगत दियां कड़ियां माण रहे हैं गुरबाणी कीर्तन जे हुणे रागी वीर सानू सरवण करवा रहे सी हुण अगलेरे बणदे समय च गुरु शब्द व्याख्या होनी है इस व्याख्या वास्ते साडे कोल लड़ीवार गुरबाणी दा शब्द जो सूही राग दी रचना है महला पंजवां
गुरु अर्जन साहब द्वारा उचरित की गई मुकामी संदेश मुकामी बाणी इस पावन शब्द विचों शुरुआती दो बंद सी विचारे ने तीन नंबर पदे की अज व्याख्या होएगी। आप जी ने पाठ रूप सरवण किया है, विचार का आगाज कर रहे हैं। साहब जिक्र करते ने करोड़ हस्त तेरी टहल कमावें, चरण चलें प्रभ मार्ग राम, पव सागर नाम हर सेवा, जो चढ़े तिस तार ग्राम। बड़ी पंजाबी दे रंग च लिखिया गई लाइना ने, गुरमुखी अखर ने, पर भाव थोड़ा जो साउंड करता है पंजाबी लैंग्वेज के तौर पर करता है। करोड़ हस्त तेरी टहल कमाम है, करोड़ गिनती का करोड़ जिद असी समझते हैं 100 लाख होंगे ने, जिद असी कहने कि 10 मिलियन होंगे ने करोड़। हकीकी रूप दे विच इहदा मतलब बनता है अनकाउंटेबल, गिनती ना हो सके जिदी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमाम है, ये करतार मैनू तू करोड़ा ही हाथ दे, जिन्ना हाथों के नाल मैं तेरी टहल कमावां, मैं सेवा विच लग जावां, चरण चलें प्रभ मार्ग राम, मेरे पैर अनगिनत पैर मैनू दे शक्ति दे ताकि मैं तेरे राह दे उत्ते तुर सकां। बीते कल ते तू पिछले रोज भी जो सी बात कर रहे सीगे, जिवें साहब ने कहा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देख अंदरस तेरा राम, लाख जीवा देह मेरे प्यारे। उस दिन लख जीवा की गल हो रही सी। बीते कल इफ यू कैन रिकॉल वट वी हैव डिस्कस्ड, कोट करण दी जह प्रभ प्रीतम, मतलब करण कन, करोड़ा कन दे मैनों प्रीतम ताकि मैं तेरी स्तुति सुन सकाँ। बिल्कुल उस ही डायरेक्शन च यह संदेश है। इस तो पहला कि असी करोड़ हस्त तेरी टहल कमावें, इहदी लिटरली तौर पर बात करिए, मनुख नूं कुदरत ने कर्म करन दी एबिलिटी दित्ती है। वैसे तो मदर नेचर का जिहड़ा छोटा जिहा भी टाइनी तो टाइनी स्पैक भी हैगा, मतलब एक छोटी जी डस्ट बॉल भी है, उसनों इस इकोसिस्टम एक रोल दिता है। एंड ईच एंड एवरी स्पैक इज प्लेइंग इट्स ओन रोल पूरे इकोसिस्टम दे। तुसी देखो सानू कई बार लगता है कि ये कुछ चीज़ों तो सानू बॉदरेशन होंदी है, कुछ चीज़ों तो असं तंग होंगे मदर नेचर के साइकल में। जिमें सपोज करो अक्सर बात हो की है कि समर आएगी, लोग समर की बड़ी डेस्परेटली वेट करते हैं, बड़ी ईगरली चाहते हैं कि समर राइट वे आ जाए। समर कली नहीं आती, समर के नाल की आता है, समर के नाल डेफिनेटली मच्छर आता है, मस्किटोस आर कमिंग, जड़िया ने मक्खियाँ आ रही ने वो आनगियाँ। सो कई बारी लोग शिकायत करते ओहो समर तो ठीक आ, बट समर की वेट करते से कि जो है कंट्री साइड वॉक कर जावे, कॉटेज जावे, इस तरीके उत्थे गए तो मच्छर ही मच्छर है, ओहो ये तो कोई चीज़ ठीक नहीं हैगी। सो ये असं शिकायत करते कहने भी क्या क्या जाता है, भी रब ने दुनिया बनाई है बड़े कमाल की दुनिया आ, कुदरत बड़ी कमाल की है। बाणी च शब्द पढ़िए तो बाणी कहती कुदरत करके वसया सोई, जो अपनी कुदरत बना के आप विच वसया गया, कुदरत उदा करते कुदरती मुश्ताख, उदी मुश्ताखियत उदी कुदरत विच है। बट वट काइंड ऑफ मदर नेचर एक्चुअली क्रिएटर हैज क्रिएटिड, उस सारे एहोजियां चीज़ां क्यों, मच्छर दी की लोड़ सी, मतलब नाम ही बनाउंदे, मक्खी दी की लोड़ सी। चलो जिस मवालिक चो असी आए हाँ उस मवालिक दे विच गिवन जोग्राफिकल एरिया जिहड़ा आ उत्थे सप बहुत हुंदे ने, आपनूं पता इस गल दा। जे अज ते आबादी वध गई कुछ साडा, इतनी ज़्यादा असी पेस्टिसाइड्स ते फर्टिलाइजर्स ते होर कैमिकल्स यूज किए वड्डे लैवल ते धरती च जहर पा के असी बहुत सारा कीट मकोड़ मार दिता, मतलब नैचुरल जिहड़ी कंपोजिंग एबिलिटी सी मदर नेचर द्वारा दिती गई उस डस्ट नूं, उस अर्थ नूं, वो तो खत्म कर दी असी। सदका
गंडोए कीड़े कितना कुछ जिथे थोड़ा जा प्रोटीन किसी पॉकेट दे विच जमा हुंदा सीगा उत्थे ही कुछ ना कुछ कीड़े बन जाते सी कुछ ना कुछ मकौड़े बन जाते सीगे। उस खिते दे विच आपने कन खजूरियां दा नाम सुनिया होना है, आपने बिछुआं दा ठुमियां दा नाम सुनिया होना है, मतलब जहरीले जहर डंग मार दे। बंदा कहे भी ठीक आ, वैदर ते वधिया वार्म आ गर्म हुंदा आ, पर आ कीड़े मकौड़े ठूएं बनाने की लोड़ सी, बिछू बनाने की लोड़ सी, सप बनाने की लोड़ सी। जे डीप लैवल ते देखांगा इसे साडे कोल सारी साइंसिज मौजूद ने, इकोलॉजी दी लोकी साइंस जिहड़ी पढ़दे उह सारा सिस्टम पढ़दे ते पता लगदा सी इको सिस्टम दे विच हर एक चीज़ का कपड़ा रोल आ। तुसी किसी एक चीज़ नूं उहदे विचों एलीमीनेट कर दिओ, उसनूं तुसी लामे कर दिओ, सारा साइकल टुट जांदा। जिवें सपोज करो मच्छर है, जे मच्छर की होंद घट जाएगी उहदे नाल की होएगा, मच्छर सब तो थोड़े जी रिसोर्स ते एनर्जी नाल पैदा होने वाला एक लाइफ साइकल है, उसनू खा के उस तो सैकेंड जिहड़ा थोड़ा जिहा जिहनू ज़्यादा एनर्जी चाहिए वह लाइफ साइकल जिहा हुंदा है, उस तो बाद थर्ड लैवल का, फिर फोर्थ लेयर्स ने, लेयर्स बाय लेयर्स चीज़ां चलदियां इस रूप दे विच। सो ये जिहड़ा ये तरीकेकारता आ, जिवें आपां इस मबालिक इस जोग्राफिकल एरिए रह रहे हैगे आ, इत्थे सब तो वड्डी दहशत जिहड़ी है खास करके जिथे आबादी नॉन आबादी के इलाके दे विच भी जिथे जिहड़ी है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हैगी, उत्थे मुश्किल कादी है चूहियां दी। मतलब सानू लगता ही है कि टोरंटो शहर बड़े कमाल का शहर है, तुसी कदी जिहड़ियां पेस्ट कंट्रोल बॉडीज़ ने या जिहड़ियां उस तरीके नाल एग्जामिन करदियां ने वक्रे वक्रे फूड शॉप्स नू, जिहड़ियां रेस्टोरेंट्स नू, होर जगह, उन्हां दी जॉब देखो किड्डी हार्ड है, किन्ना मतलब इतना ज़्यादा आ कि पुछो कुछ ना। सो ये सारी जिहड़ी है जे सही तरीके नाल कहा जाए ना तो साढ़े शहर जिहड़े रैट्स ते माइस ने उन्हां दी टेरिटरी दे उत्ते वसते ने, इस किस्म दे नाल उन्हां दी होंद वो सब चीज़ां ने। तो जिथे इन्ना इंतजाम है, इतना पेस्ट कंट्रोल है, इतना सब कुछ, हर एक बिल्डिंग के बाहर भी उन्होंने पिंजरे लगाए ने सारे उस तरीके दे नाल, तो जिथे सारा कुछ नहीं होएगा उत्थे की हालत होएगी। एक्चुअल लैवल ते जिहड़ा सप आ सब तो वध फार्मर फ्रेंडली जानवर है, फसल का कोई नुकसान नहीं करता। जिस चीज़ तो ये फसल नूं बचाउंदा है वह है कि चूहे सब तो वध। ये रीसेंट लोग दवाइया पा लगे चूहिया या होर ये सब चीज़ें, अदरवाइज़ सप ही कंट्रोल करता सी सारे। सो एक इको सिस्टम है सारे का सारा, उस सिस्टम के सारे ने आप अपना रोल प्ले करना है, तो वह रोल असी सब जिहड़ा जीव जंत पशु पंछी मनुख सब चीज़ों उस रूप में देखते हैं। ईवन तुसी होर देखो, मैं बाय चांस समर की गल की, समर के वैदर कई बार बड़ा वैदर ट्रिबुलेंस बड़ी होंगी है, उस किस्म दीज़ा बड़िया आदियां ने, कुछ खिते हैरीकेनज आते हैं, कुछ टोरनेडोज आते हैं। साढ़े इतने भी ग्लोबल वार्मिंग करके रीसेंटली पिछले 5-7 साल तुसी इस चीज़ का बड़ी न्यूज़ सुन दे भी टोरनेडो हिट कर गया, इतने कर गया, इस तरीके ने कर गया। हाँ ये कुछ ह्यूमन फॉल्ट भी हैगा, वह भी रोल प्ले हो रहा है, पर जो देखा जाए कि लोगों ने लोड की है एडे एडे तूफान आने की, आप जे सही तरीके नाल इस इकोलॉजी नू पढ़ोगे तो पता लगता है तूफान आता है। एहसास करो ना, आपने साइंस से चीज़ जरूर फार्मूला पढ़िया होना है कि तुसी एक वाई आवर सी और ओशन बॉडीज़ आर सो सॉल्टी, उन्हें लून क्यों इन्ना ज़्यादा, वो जिहड़ा एक्सपैरीमेंट कराया जाता वो कहिंदे ने कि डब्बा पानी का लवो तो वो पानी भर के थोड़े जिहा विच नमक पा दिओ, कोई एक मतलब हाफ हैंडफुल जिहड़ा हैगा उस तरीके नाल, ते उस तो बाद पानी नूं उबालो, हौली हौली पानी की होएगा सारा मोइस्चर बन के उड़ जाएगा उस तरीके दे नाल, ते पिछे की रह जाएगा लून रह जाएगा कल्ला। सो जिवें सारा पोल्यूशन सॉल्ट ये सारा उस ओशन बॉडी च पैंदा गया तो उहदे नाल उह सारा लून उच इकट्ठा हुंदा गया, असीं इस तरह सुणदे आ। पर आप देखोगे जदों मीह पैंदा आ, मतलब मीह ते उहदा ही पएगा ना जिहड़ा उत्ते भाप उट के गई सारे दी सारी, जिहड़ा मोइस्चर जिहड़ा गया सीगा एक तरह नाल गैस बन के हवा दे विच। पर जदों मीह पैंदा आ, स्नोफॉल हुंदा आ, उसनों तुसी टेस्ट करो,
लैब दे टेस्ट ट्यूब दे ते जिन्ना क नॉर्मल सोडियम चाहिए पानी दे विच एग्जैक्टली उतना सोडियम मिल जाएगा तुहानू। कमाल होगी, वह सोडियम तो सारा थले छड़ गया, वो जिहड़ा पानी उत्ते गया सीगा ते उहदे च उह सोडियम किवें रल गया, नमक कित्थों आ गया। साइंटिफिकली पता लगा एक्चुअल लैवल ते हुंदा की है, जदों समुंदर दे विच हवावां दे नाल छल्लां वजदियां ने, तूफान उठदा इस तरीके दे नाल, उहदे विच बड़े महीम कण झग बण बण के उड़दे ने हवा दे विच। जिहड़े उह झग बण बण के महीम कण उड़दे ने उहनां च लून उड़दा, नमक उड़दा। वह नमक हवा चक के जिहड़ा मोइस्चर उत्ते उड़ रहा, जिहदे बदल बणदे ने एक्चुअल लैवल ते, उहदे विच मिक्स करी जांदा। इतना मतलब नैचुरल प्रोसैस चलता है कि सानू खुद नू अहसास नहीं गा कुदरत दा क्या सिस्टम चल रहा है। उहदे च सब चीज़ां मिक्स होई जांदियां, हवा भी अपना रोल प्ले कर रही है। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ते ना, गावै पौन पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे, किवें गा रही हवा रब नू, हवा दे हुक्म रब दे हुक्म नू मनदिया होए, उहदे हुक्म हदूरियत नहीं करती। तो हुक्म का की लैवल आ, किस किस बरीकी दे नाल समझ सकता बंदा साइंस नू पढ़दिया होए। मैं तो बच्चों कई बार कहना साइंस पढ़ो, बड़ा डीपली पढ़ो, फिर गुरबाणी पढ़ो, दैन यू कैन द यू गैट द आइडिया वट बाबा नानक इज सेइंग हेयर। इहदा मैसेज इस किस लैवल ते किन्ना रिलेवेंट आ, कितनी सिग्निफिकेशन है इहदे विच। खैर जो बिनती करना करन लगा सीगा, हर चीज़ अपना रोल प्ले कर रही है। मनुख इन्हें भी रोल प्ले करना इस इकोसिस्टम दे विच, पूरे दे विच। असी सारिया ने धरती ते कंट्रीब्यूटर बनना है, धरती दे उत्ते धरती नूं भोगण वाले अब्यूजर नहीं बनना, इत्थे डिस्ट्रक्शन क्रिएटर नहीं बनना। असी इस कुदरत दे विच कुदरत दे खिलाफ चलन वाले क्रीचर नहीं बनना, कुदरत च कंट्रीब्यूट करन वाले बनना है। आही धर्म है, ये धर्म जो बंदा तोड़दा आ उदों फिर कुदरत इंतकाम लेंदी है। ये नियम है ना, उहदा तुसीं रूल तोड़ोगे कॉन्सिक्वेंसिस मिलणगे। साढ़े दे अपनियां मैन मेड सोसाइटीज़, मैन मेड जिहड़े मुल्क शहर कंट्रीज असीं बिल्ड कीतियां, उहनां च किन्ने कॉन्सिक्वेंसिस ने। माड़े जे तुसीं सज्जे खब्बे होए नहीं ते तुहानूं उहदे कॉन्सिक्वेंसिस फेस करने पैणगे, तुहाडी अकाउंटेबिलिटी तय होएगी। जिहड़ा ये सारा मदर नेचर ने एड्डा वड्डा निज़ाम स्थापित किया आ, उहदे विच तुसीं सही रूप च अपना रोल प्ले नहीं करोगे तो भाई मदर नेचर बख्शेगी थोड़ा, वो तो अपना इंतकाम लेगी, वो तो अपना कॉन्सिक्वेंसिस फेस कराएगी तुहानूं। इस करके सिक्खी दे विच बड़े कमाल दीआं चीज़ां गुरु बाबा जी ने समझाइया बड़े सोहणे ढंग दे नाल। बाबा जी ने कहा पहली गल तो यह है, बीइंग ए ह्यूमन मनुख होने के नाते इट्स आवर वेरी फस्ट ड्यूटी दैट वी हैव टू कंट्रीब्यूट बाय डूइंग समथिंग क्रिएटिव, बाय डूइंग समथिंग एज ए हार्ड वर्किंग यू कैन से ह्यूमन बीइंग और हार्ड वर्किंग वर्कर इन द सोसाइटी, जिन्हों से कहने किरत करनी, ये पहला काम है साडा। मुशक्कत करनी, वह किसी तरह की हो सकती है, किसी की स्किल्ड बेस्ड हो सकती है, किसी की लेबर बेस्ड हो सकती है, किसी की प्रोफेशन बेस्ड हो सकती है, पर करनी है, ईमानदारी नाल करनी, पूरी ऑनेस्टली हार्ड वर्क करना, यह पहला काम है। सो यह है धरती के उत्ते एक इस किस्म का कंट्रीब्यूट करना, मतलब जिद किरत होए, जिद कमकार होए। फिर ये बदलते समाजों दीआं लोड़ां नाल किरत बदलती है, बदलते समाजों दीआं लोड़ां दे नाल किरत दे मुहाज बदलते ने। कुछ किरत कल तक समाज में एक्सैप्टेबल नहीं सी, उन्होंने जस्टिफाई किया गया समाज द्वारा। कुछ किरत ऐसी सी जिहड़ी समाज में कल तक सी, अज एलीमीनेट हो गई। बहुत सारिया ऐसा चीज़ा वक्त नाल तब्दील हो जाए उस रूप दे विच। आप जे मुगल हुकमराना दीआं बात करो तो उहदे विच आपनूं शायद इस गल दा अहसास होए, तो हिस्टरी पढ़ोगे तो शरीयत दे कानूनां नूं लागू करन वास्ते जिहड़ियां बड़ियां वैल पेड जॉब्स हुंदियां सी उहनां दे विच जलादां दीआं जॉबां वी आउंदियां सी। तो इतने ज़्यादा जलाद चाहिए हुंदे सी क्योंकि हर रोज़ ते कचहरी लगनी है, कईआं दे हत्थ वड्डने ने, कईआं दे बाहां वड्डनियां ने, कईआं दीआं लत्तां वड्डनियां ने, पता नहीं कितनिआं नूं मारना ते कई तरीक्यां नाल मारना, कोई इक ढंग नहीं गा। होर छड्डो कोड़े मारन वालिआं दी जॉब हुंदी सी,
समाज बदलिया, समाज बदलन दे नाल नेचर ऑफ जॉब चेंज हुई। तुसी देखो ये सब चीज़ां ने, उदो लोग कहिंदे होणगे आ जॉब भी कोई जॉब है भाई, पर जिहड़े लोग करदे होणगे उहनां दी सरकारी दरबारे पहुँच होएगी, उहनां नूं कहा जांदा होएगा भाई चला दिया भाई इहदा ते कम कोड़े मारन दा, उत्थे इह ते लठ मारिया उत्थे इस किस्म दे नाल। वक्त दे रूप दे विच जॉब दी जिहड़ा है टाइटल्स बदले, नेचर बदले आ, फिर होर बहुत सारिया चीज़ां, या एक उस समाज का सी हिस्सा रहे हैं जिस समाज के बंदे ने सोचना कि ओके कुछ परोपकारी काम करते हैं की करांगे आपां, किते चौंक मीनार चौराहे किते ते कोई ना खूह खुदवा दें, नलका लवा दें, लोग पानी पीण गए आते जाते, सो एक परोपकारता का काम सीगा ये, एक इसनों लोग सेवा का रूप समझते सीगे। वक्त तब्दील होया, अज दुनिया दे विच जिहड़े सब तो वड्डी इंडस्ट्री दे रूप विच मन्ने जांदे बिजनेस ने, उन्हां दे विच वाटर प्लांट्स आउंदे ने, जिहड़े पानी दीआं बोतलां पैक करदे, पानी पैक करदे, पानी सैल करदे, एक वड्डा बिजनेस इस तरीके जनरेट हो गया उस रूप दे अंदर। जो आप देख रहे ने इंडिया दे विच फार्मर एजिटेशन वगैरह, जिसनों होर डीपली पढ़िया जाए ना तो लोग जो पढ़ रहे हैं बौद्धिक लैवल से, जो लोग विजनरी ने दस रहे हैं, एक्चुअली लड़ाई कल जमीन की नहीं है, जमीन की तो है ही है, पर एक्चुअल पानी की है। डीप लैवल से जिहड़ियां मल्टीनैशनल्स बैठिया ने उन्हां दी नज़र सीधे तौर पर इतनी वड्डी पापूलेशन दे विच उस पानी के सोर्सिस नूं अपने कब्जे विच करन दा, जिहदे इवज दे नाल उत्थे भावें लाइफ सस्टेन हो सकती या फूड चेन सस्टेन हो सकती, उसनों अपने तरीके वरत्या जाए, कंट्रोल किया जाए, वो सीधे तौर पर वो चीज़ हो रही है। खैर, सो ये एक अज असी इस यहोजे कारोबार बिजनेस देखते हैं, या होर बहुत सारिया ऐसा चीज़ा ने, मतलब किसी समय जुआ अनएथिकल मनिया गया लंबे समय तक, मतलब अज तुहानूं इहो जे मुबालिक मुल्क मिल जाएंगे, शहर मिल जाएंगे, लॉस वैगस का नाम तुसीं गूगल करो या तुहानूं पता होना है, पूरे का पूरा शहर ही कसीनो ते वसे आया। सो एक मतलब डिफरेंट वे नाल डिफाइन किया जाता चीज़ों, सो इन्हों मनिया जाता सी वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन दिस वर्ल्ड। आ पिछे पेंडेमिक हुई है तो मैं चीज़ा उदों बहुत क्लोजली पढ़ रहा सीगा, तो उदे विच स्पेन दे विच जदों यूरोप विच बड़ी बुरी तरह हिट किया कोविड-19 ने, तो स्पेन भी उदा बड़ा वड्डा विक्टिम बनया उस वक्त, बड़िया जिंदगियां जाया हुई सब चीज़ा। तो उतों दे एक मेडिकल स्कूल दी रिसर्च स्कॉलर ने बात लिखी, वो कहिंदी कि हुण तुसी जिहड़ा है उन्हां दा मैसी सॉकर प्लेयर उहनूं क्यों नहीं बुलाउंदे, वो तुहानूं एंटरटेन करेगा कोविड-19 दे विच, तुहानूं मैडिकल प्रोफेशनल दी की लोड़ है, इत्थे एक सॉकर ते उहदे रिलेटेड इंडस्ट्री नूं प्रमोट करन वास्ते गौरमेंट इन्ना फंड लगा रही है, दूसरे पासे जिन्होंने लाइफ सेविंग करनी है उन्होंने उत्ते अज तक किन्ना रिसर्च से लगाया तुसी आम सरमाया सारे का सारा, पता लगा सोसाइटी दी नीड्स नू एड्रेस नहीं किया जा रहा। तुसी आते बात हुई हुण पिछले साल कुछ लोगों नू पता लगा, नहीं तो धरती दे उत्ते बिजनेस ही अम्यूजमेंट पार्क रह गया सीगा, न्यागर जिवें साडे इत्थे वंडरलैंड वर्गी सिटी बना दिओ, डिजनीलैंड ओरलैंडो वर्गी सिटी बना दिओ, बस मनी मनी इज गोना रोल विदाउट एनी यू कैन से बॉदरेशन, इस किस्म दी चीज़ां आ रही सी। सो वो हुण कोविड-19 करके कुछ रोक लगी, पता लगा वो नहीं नहीं बंदे कि किहड़े किहोजे बिजनेस किहोजे कारोबारां दीआं गल्लां हो रही ने। सो ये चीज़ां ने बंदा इस तरीके दे नाल, इस दे विच फिर बंदा सोचदा कि जस्ट काम ही करना है, ये च कड़ी गल है भाई, कंट्रीब्यूट की कर रहा तू, एंड ऑफ द डे सोसाइटी नूं की मिल रहा है, इस सारे पूरे लाफ कॉजमो दे विच तेरा रोल किहड़ा प्ले हो रहा है। गुरमत बहुत डीप लैवल ते सानू झंझोड़दी है जे वेख्या जाए ते। महाराज ने बयान किया तेनों कर लाए ने, हथ लाए ने। रीसेंटली साडे किसे पंजाबी दे गवैये ने बड़े सुंदर तरीके नाल लफ्ज़ां नूं परोया कि कितना कुछ बंदे ने बना लिया पर कुदरत तो पार कुछ नहीं बनया, किन्ने वधिया तो वधिया बंदे ने टूल्स बना ले ने पर हाथ तो वधिया कोई औजार नहीं बनया। मतलब ऐसा क्या साढ़े इत्थे स्पेस स्टेशन ते जदों नासा ने एक स्पैशल
चीज़ कैनेडा को बनवाई सी जी बड़ी यूजफुल सी सब तो बेस्ट यूजफुल टूल सी उन्होंने वास्ते वह नाम पता कि रखा सी कैनेडियन आर्म मतलब क्या हाथ बाँ इस तो वधिया की यूज होएगा कमाल है हाथ का इस्तेमाल करना पर हाथ का इस्तेमाल करना भी बंदे नूं आए तुसी देखो इंजीनियर्स ने आ इंजीनियर्स की करामात है आर्किटेक्ट की इंजीनियर की आ बिल्डिंग आ कैमरे आ सब चीज़ा इंजीनियरिंग है सारी जिनी इनोवेटिव दुनिया असं देख रहे इंजीनियरिंग विचों आ रही जिमें जिमें वैसट विच इन्हां दी जॉब इन्हां दी सब चीज़ां वधियां आप एहसास करोगे जो इत्थे कोई फोर ईयर इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है ग्रैजुएशन होंदी है तुहानूं पता की दिता जाता है इंजीनियरिंग रिंग तुहानूं कहा जाता तू सब तो छोटी उंगल इत्थे थले वाली च इस उंगल च पाउणा उहदा कारण की है उहदे पिछे कारण एथिकली उसनूं किसी चीज़ बारे बाउंड करना है उन्हें इस बाबत कंपेल करना है जदों भी कोई पेपर साइन कर लगेगा ये जी खास करके ये रिंग पई होएगी टेबल पर जी उस वक्त नॉक करेगी आवाज़ पैदा करेगी तेन पता लगेगा तू ओथ ली है एक ठीक कर रहा इन्हों हथां बेईमानी ना हो जाए कितने तेरी सारी तालीम मनुखता की बुरियाई वास्ते नहीं चंग्याई वास्ते लगे हूँ ये सौ सवा सौ सौ घट समय समय की बात आ थोड़ा होर तुम आ जाओ इस उंगल तो थोड़ा हाथ से आ जाओ आ कड़ा पाया देखो तुम गुरु बाबा जी ने एवें नहीं पाया ये पिछे एक पूरा का पूरा एक रीजन हाथ आ हाथ के नाल ही सब कुछ होना बंदा इस हाथ में देखे इस्तेमाल कितने करना है इन्हों हाथों के नाल ही बंदा अमल करता है कर्म करता है धरती से कुछ कंट्रीब्यूट करता है पर हाँ ये कंट्रीब्यूट भले वास्ते कि बुरे वास्ते है आपने देखा होएगा समाज में लोग कम यहोजे करते जिद सोसाइटी बर्बाद हो रही है पर हाँ कुछ समय लिए हाथों के नाल थोड़ा बहुत कुछ वॉलंटियर वर्क कर लेंगे सेवा कह लवो पर सेवा तो समुचा जीवन आ गुरु महाराज ने बयान किया वह बंदे इस धरती से ना हाथों कोई सही चीज़ कंट्रीब्यूट करी गलत ना करी महाराज जी का पावन बचन साहब कहते करोड़ हस्त तेरी टहल कमाव है मेरे को इन्नी एनर्जी मिल जाए मेरे करोड़ा ही हाथ मिल जाए करोड़ा हाथ किसी को लगते नहीं गए हाथ तो दो ही होंगे ने दो तो बाद नहीं वैसे भारतीय खिते दे विच इस चीज़ नू जो शक्तियां नू मूर्तिमान किया मतलब देवत्या की कल्पना करके देवते बनाए गए देवी देवत्या बनाया मूर्तों के रूप के तो उन्होंने फिर कई कई बाहां ला दी मतलब की है कि साढ़े नालों इन शक्ति ज़्यादा आ इन दाहां इन एबिलिटी ज़्यादा समर्था ज़्यादा सच्चाई यह है बाहां दो ही होंदिया ने इस तो बाद पूरा साढ़े को जिनी स्टडी मिलती एंथ्रोपोलॉजी अजे तक यहोजा कुछ नहीं पता लगता कि दो तो बाद बाहां कदी बंदे लगियां होण इस किस्म की बात हो बाहां दी शक्ति ही है लोगों के कोल दो दो बाहां लगियां दो दो हाथ लगे तो ये इतनी शक्ति मताहत आ जो चाहे किया जा सकता है पर बंदा तो जिनी ये पॉसिबिलिटी मौजूद आ जिनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद ने उदा माड़ा जिहा भी किणका भी यूज नहीं करता महाराज तो बयान करते अरदासां करिया कर शक्ति वध जाए ताकि तू इस मानवता के कुछ भले लिए होर कर सके होर सेवा कर सके होर कंट्रीब्यूट कर सके गुरु अर्जन साहब बयान करते करोड़ हस्त तेरी टहल कमाव है करोड़ा हाथ तेरी टहल चला दिया पूरी एनर्जी ला दिया पूरी शक्ति ला दिया एक एक पल लगा दिया ये नहीं कि दस पंद्रह भी मिनट कित वॉलंटियर वर्क किया सेवा होगी ना 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 सेवा कर दें जीवन लग जाए मेरा पूरी एनर्जी लग जाए पूरी मानवता का इस रूप मैं भला कर दिया हो अपना आप लगा दिया सो क्या को करोड़ हस्त्री टहल कमावे चरण चलें पर मार्ग राम चरण चलें पैरों नाल तुर के बंदे ने जाना अज के पैर बदल गए ने अज के पैर साडियां कारां ने गड्डियां ने जहाज ने यह पैर ने साडे एक्चुअल लैवल ते क्योंकि पैरों के नाल बंदा जो सफर मुकांदा अपना वो अपने पंध अदा करता इस रूप दे विच नूं बाबा फरीद जी ने कहा सी फरीदा किन्नी निक्की जंगी थल डूंगर भव्यम मतलब
लत्तां दे जोड़ तो लैके तो लत्तां दी मपाइश की जाए, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं, 2-2.5-3 फुट का वाया बनता सर का सारा एक मच्योर बंदे ले। मतलब इन छोटिया जिन लत्तां नाल की पहाड़ ते की धरती ते सब कुछ बंदे ने माप के रख दिता, करमा माप दित्तियां जिन्हों पंजाबी च कहने मतलब अपनिया तुर तुर के सरूप दे विच। पर यह तुरना कितने गलत पासे तो नहीं हो गया, पैर इन्हें बंदे ते तुर के जाते हैं। आप गुरुद्वारा साहब आए हो पैरों ते तुर के आए हो, जिसन होर डीप लैवल ते देखोगे तो गुरुद्वारे विच वड़न तो पहले एक प्रैपरेशन होंदी है। मतलब असी शूज लाने फिर हाथ धोने तो फिर सिर कजदे हाँ, ये प्रैपरेशन आ। एक्चुअली ये कोई रिचुअल नहीं हैगा, ये अपने आप नू दसना आ तू किस परपज लिए जा रहा है, तू किस जगह पर जा रहा है, ये प्रैपरेशन हो रही है मन करके। ये जगह आ जिथे सफाई है, जिथे क्लिंजिंग होंदी है, तो सिर्फ बैरूनी नहीं, ये जगह जिथे रिस्पैक्ट की गल हो रही है। ये एक्चुअल लैवल से बंदे इतों ही चेंजेस आने शुरू होते हैं जे बंदा इस एहसास में आ जाए तो। ये बड़ी मीनिंगफुल चीज़ है जे बंदे नूं समझ आ जाए उस रूप दे विच। ते फिर यह है इन्ह पैरां नाल तुर के गुरुद्वारे आया वा, इन्ह पैरां नाल तुर के चंगी राह ते तुरन की प्रेरणा लै रहा वा, इन्ह पैरां नाल तुर के शराबखाने जावांगा ठीक नहीं, एनर्जी तो लगेगी ना जाण दी, भावें गड्डी ड्राइव करके जाओगे। इन्ह पैरां नाल किसी का भला करांगा वो ठीक लगेगा, इन्ह पैरां नाल तुर के एफर्ट पा के एनर्जी पा के किसी का बुरा करांगा नो, दैट्स नॉट गुड। बंदे च ये चेंजेस आते हैं, यही स्पिरिचुअलिटी है। वैन वी आर अवेयर अबाउट आवर एक्शंस दैट मीन वी आर गोइंग टूवर्ड स्पिरिचुअल डेस्टिनी। महाराज इज गिविंग अस दिस काइंड ऑफ यू कैन से थॉट्स बाय प्रोड्यूसिंग दीज लाइन्स। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावें, चरण चलें प्रभु मार्ग राम। ये चरण प्रभु दे मार्ग ते तुरन ते, प्रभु दा मार्ग की है, कोई ये ते है नहीं कोई स्पैसीफिक राह किते बनाया किसी ने कहा भी ये रब दा राह इस पासे नूं तुर पवो। भाई इत्थे ही संसार विच सही चॉइसिस बनाउणियां ने, यही रब दा राह है। अगला बचन दे नाल लै लैने आ क्योंकि सब जिक्र कर रहे ने, पव सागर नाम हर सेवा जो चढ़ै तिस तार ग्राम। पव सागर नाम हर सेवा, पव सागर है मतलब बंदा कदी ये प्राउडली नहीं कह सकता कि यू नो आई एम टोटली क्लीन सुपर नाइस ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग ए सुपर ह्यूमन। नो, क्योंकि नेवर नो, आ पल मैं बिल्कुल ठीक है, मैं कभी चोरी नहीं की, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ थेफ्ट, एनी काइंड ऑफ एक्चुअली बैड एक्टिविटीज़। बट अगले पल का की पता, मैं अक्सर एग्जाम्पल्स करदा प्रिजन्स विच काम करदिया समा हो गया तो लोग जो प्रिजन का नाँ सुनते लोग सोचते ओहो बड़े बैड लोग होंगे उत्थे, इहो जिहे लोग होंगे इहो जिहे, तुहानू उत्थे हर प्रोफेशन का बंदा मिल जाएगा, हर प्रोफेशन का तुहानू उत्थे हर क्लास के बंदे मिल जाएंगे, हर कम्यूनिटी के बंदे मिल जाएंगे, हर कलर के हर तरह के बंदे मिल जाएंगे। बंदा कई बार सोचता आ भी कमाल हो गई ये किवें, उसे पता लगता नैवर नो। एक सज्जन कहिंदे कि इत्थे ब्रम्पटन दे विच इंग्लैंड तो मूव होए आए तो किसी जे जिहड़े आ स्टेट एजेंट्स हुंदे ने रियल स्टेट एजेंट्स, इहनूं कॉल की मैनूं कोई प्रॉपर्टी दिखा, वह कहिंदा जी बजट वगैरह दसो दस्या, वह कहिंदा आ जाओ घर है अवेलेबल, काफ़ी पुरानी गल 90s दे नेड़े, प्राइस तो काफ़ी लो लगा जिनी प्राइस आम एवरेज चलती सी। गए तो घर वगैरह देख रहे बड़े, सैकेंड बैडरूम ते गए, सैकेंड फ्लोर ते गए बैडरूम्स दे विच, देखिया एक साइड ते बड़ी खुली जी जगह आ ते वॉल बड़ी वड्डी लगी है उत्ते। मैं पूछया आ की है, कहिंदे जी ये प्रिजन है बिल्कुल गुआंढ च, कहिंदा बाहर निकल पागल है तू, मैं तो जेल की गुआंढ कर लवांगा इत्थे, नो वे चल भावें जिन्ना मर्जी सस्ता हो। कहिंदे जी यही प्रॉब्लम है, इस करे कोई खरीद नहीं रहा, अदरवाइज़ तो जिहड़ा हैगा आ घर तो वधिया सारा।
कहिंदे मैं खुद वो बंदा जिन्हें ये चीज़ कही तो क्या नहीं, तो अज मैं तुहाडे नाल बैठ के प्रिजन दे विच इत्थे बैठे गल्लां कर रहा। मेन बंदा ये होया की है, नेवर नो, पव सागर यही है। अज इत्थे हो, कल इत्थे आ सकते हो, पर गारंटी की है भी इत्थे नहीं आवांगे। सब कहिंदे कै उहदा जिक्र इहदे विच कीता, पव सागर नाव हर सेवा, जिथे रब नू साक्षात जान के उहदी सेवा च लगे रहोगे। बस जिथे तुसी मीन काइंड ऑफ एक्ट करने बंद कर दोगे, स्वार्थी नहीं होवोगे, हवसगीर नहीं होवोगे, करता रंग संग होएगा, यही नाव है, यही बेड़ी है पव सागर तो पार होने की। अदरवाइज जिड्डे मर्जी वड्डे तुसी स्विमर होवो, तैराक होवो, बड़े बड़े वड्डे लोग दावा करते आई एम द बेस्ट, एक्चुअली यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट स्विमर, मैं तो जिहड़ी मर्जी सिचुएशन होए मैं बड़ा क्लैवर माइंड हाँ, मैं तो किसी सिचुएशन फसदा ही नहीं गा, झूठ बोल के भी नहीं फसदा, किसी के नाल चोरी ठगी लगे तो भी नहीं पता लगता, ऐसा ऐसे इस तरीके दे नाल लोगों को गल्लां जचा देना लोगों को पता ही नहीं लगता, आई एम सो मच स्मार्ट, कोई पता नहीं तेन इस चीज़ च ना रही। हाँ एक चीज़ जरूर रही रब के पैर दे विच, फिर कोई क्लैवर होने की भी लोड़ नहीं, फिर बहुती स्मार्टनैस होने की भी लोड़ नहीं हैगी, फिर एक बिलीवर होने की लोड़ है, करतार वेख रहा मैं उहदा जवाब दें। साहब कहिंदे इस बेड़ी च बैठ जाई, बिल्कुल पवसागर नाव हर सेवा, जो चढ़ा तिस तार ग्राम, जो चढ़ गया, जो इस स्कूल ऑफ थॉट का बिलीवर हो गया, फॉलोवर हो गया, वह तर गया, वह कदी उस चीज़ च नहीं डुबेगा। पवजल तरिया हर हर सिमरिया सकल मनोरथ पूरे, फिर गुरु साहब इस चीज़ को थोड़ा होर बयान कर दे, पवजल तरेगा हरी दी सिमरन दे सदका ते सगल मनोरथ पूरे, मनोरथ मनन दी भावां नूं अर्थ मिल जाने। बड़ी डिटेल्ड बात किसी दिन फिर करांगे, अज्ज ते समा समाप्ति है, पर माल बात इतनी है कि बंदे दी जिहड़ी माइंड वॉन्डरिंग आ दैट कैन बी स्टॉप्ड, वो रोकी जा सकती है बाय फॉलोविंग दीज टीचिंग्स, जिहड़ियां सिक्ख्यावां गुरु बाबा जी दे रहे दे विच। महा विकार गए सुख उपजै बाजे अनहद तूरे, महा विकार, विकार तो एक छोटी जी हैबिट ही बंदे नूं छड़नी हार्ड हो जाती है, तो जिथे पता ही कोई नहीं बंदे जी किन्नियां कमजोरियां ने, वीकनेस ने, उन्हां दा की हाल होएगा। सब कहिंदे मैं गारंटी करदा महा विकार गए सुख उपजै बाजे अनहद तूरे, अनहद तूरे दा एक ऐसा संगीत जिहड़ा हर वक्त तुहाडी सुरत च वजदा रहे। ये कोई स्पैसीफिकली पैरानोइड सोने नहीं, किसी चीज़ की आवाज़ा नहीं सुननी, एक्चुअली थोड़ी मूड जिहड़ा आंदा, बंदा कहिंदा ना मूड कदी ठीक है कदी नहीं ठीक, स्विंग करता है, अजकल तो मूड डिसऑर्डर सब तो वड्डी अलामत है मैंटल हैल्थ से असीं देखते हैं, पर एक लैवल ऐसा होना जिथे हर वक्त चढ़ती कला का कॉन्सैप्ट रहना। यह वाजे अनहद तूरे संगीत खुशी का वज रहा अंदर, उहदी बात हो रही है, इहदे विच मन बांछत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारक, बाकी मन पाउंदे फल प्राप्त होण, कुदरत कीम अपारग, जिहदा कोई उरवारला पारला बन्ना नहीं प्राप्त हो सकता, जिहनूं तुसीं अवैलुएट नहीं कर सकते। गुरु साहब कहिंदे तुसीं इस थॉट नूं फॉलो करो, करतार ते भरोसा रखो, फल लाएगा। बाकी कोई बंदा कहे कि नहीं नहीं आह कम ज़्यादा बैटर है इस तरीके नाल, या तुसीं स्पिरिचुअलिटी विच भी देखो जिहड़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा अजकल भी इन्नी पढ़े लिखे समाज के विच भी, जिहड़ियां मकैनिकल रेपिटिशनज ने, मकैनिकल काइंड ऑफ चीज़ा ने, उन्हां नूं सैल करन वाले लोग व्यापारी बंदे वैसटर्न इंट्रस्ट लोगों ने अपने पूरे करने ने, तो इस किस्म का तुसीं अजकल दे गूगल ते यूट्यूब ते चले जाओ तुहानूं बंदे मिल जाणगे, कमाल है, मतलब एक तो बाद एक वो चीज़ा सैल कर रहे हैं, लोग लै रहे हैं। गुरु महाराज कहिंदे एक कुदरत जिहड़ी है ना, जिहड़ा रंग आ कुदरत कीम अपारक, इहदा कोई पार नहीं पा सकता। इत्थे जिहनूं असीं कहिंदे आ कि सरकम सांसिस हुंदे ने जिन्हां च बंदा सही तुरिया जांदा, ढो ढुकणा पंजाबी च कहिंदे आ, अदरवाइज़ नैवर नो की होणा। ईवन साडा शरीर ही है, कोई बंदा क्लेम करे आई एम हैल्दी आई एम परफेक्ट आई मैनू कुछ नहीं होना, तैनूं पता भी है स्ट्रोक होनी की होंदी है, मतलब की है भी मैं आवाज़ कढ़ी अगली निकलेगी आउटकम किवें क्लेम कर, अपारक यही है। सो इस करके
अरदास ही है, प्रार्थना ही है। तो जाके फिर बिल्कुल बंदे नूं हुंदा वी बस करन कराउण वाला आपे आप है। उहदी बात कीती साहिब ने, कहो नानक प्रभ कृपा कीजै मन सदा चलै तेरे मार्ग। हे नानक इहदी अरदास कर, तरस कर कि मन चलै सदा तेरे मार्ग। ये मन ना तेरे मार्ग ते चले, तेरे राह दा रागीर होए, फॉलोअर होए तेरा, डिसाइपल होए तेरा। इस किस्म की मंग, इस किस्म की इच्छा खाश गुरु साहब करदे हुए शब्द समाप्त करते हैं। समा समाप्त है। एक बार फिर जो पंजाब दे विच संघर्षशील किसान माई भाई ने उन्हां दी सफलता, उन्हां दी चढ़दी कला की अरदास करते हैं। समुची मानवता के भले ते कल्याण की अरदास करते हैं। अरदास करते हैं इस COVID-19 की सिचुएशन दे विच मनुखता सबक लए, सीखे ते वाकया च ही भले गोचरे जो काम साढ़े करने बनते हैं उन्होंने उत्ते एम्फसाइज करे, उन्होंने ध्यान देवे। इन्हीं एक बेनतियां नाल खिमा है जी। आप हुण गुरुद्वारा दे हदूद आ सकते हो, हाजिरी भर सकते हो। साढ़े कोल ते बड़ा वड्डा हॉल आ, अराउंड 120 दी कपैसिटी असीं यार ईजीली, हुण ते शायद ज़्यादा हो गई है, 30% हो गई है। सो दे अकॉर्डिंगली असीं इत्थे अकोमोडेट कर सकते हैगे आ। सो नाल ही आप TV राही घरां थावां तों सुणदे हो, वो भी आप लगातार उस चीज़ नूं माण सकते हो। अज वास्ते अज का दीवान कथा के रूप में समाप्त है। ढाडी वीराग ने अगली सेवा करे, मैं थोड़े तो इजाजत चाहूँगा। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।